हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अतिया। सो आज का मेरा टॉपिक रहेगा शिरोधारा के बारे में। शिरोधारा एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम पंचकर्मा में काउंट करते हैं। देखिए, पंचकर्मा जो एक थेरेपी है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि बॉडी को रिजुविनेट करना और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। और पंचकर्मा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग पंचकर्मा के द्वारा भी अपनी बॉडी के ऐसे ट्रीटमेंट करके अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और उसी में ही एक प्रोसेस रहते हैं शिरोधारा। और शिरोधारा का जो प्रोसेस है, इसको हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं और ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का ही एक रूप है। अब बात की जाती है शिरोधारा की। शरीर और मन को स्वस्थ रखने से ही हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्थी फील करती है, यानी कि स्वस्थ मानी जाती है। मन की शुद्धि के साथ साथ हमारा शरीर का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अब शिरोधारा के द्वारा हम लोग मन को तो शांत कर सकते हैं, बट शरीर की भी तो शुद्धि करनी चाहिए। और शिरोधारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कि उसमें जो भी तरह की कोई औषधि, काढ़ा, छाछ या दूध वगैरह क्या करते हैं कि वेसल्स में भर के हमारे शिर के द्वार पर गिरते हैं, यानी कि फोरहेड पे। फोरहेड पे हमारा बेसिकली इस पार्ट पे आज्ञा चक्र पॉइंट होता है। और आज्ञा चक्र पॉइंट पे जब वो धारा गिरती है शिरोधारा की, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। और इसकी चीज़ के मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगी, इसकी विधि भी बताऊंगी कि इस प्रोसेस को करते कैसे। सबसे पहले शिरोधारा के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इसको करने से हमें फायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, शिरोधारा करने से हमारी बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये दोषों को शांत करती है, जो हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ, तीन प्रकार के दोष होते हैं, और ये तीनों दोषों को समतल भाग में ले आती है, यानी कि उसको बैलेंस फॉर्म में कर देती है। और हमारी बॉडी में जितने भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है, नींद की कोई समस्या है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, तो उन सब कंडीशंस पे हमारी जो शिरोधारा का एक प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहता है। इवन हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि मल्टीपल डिजीजेस से, मतलब कि लाइक उलझ रहे होते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले चुके होते हैं, बट एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से कोई भी उनको कोई हल नहीं नज़र आता। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होती है कि जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं एलोपैथिक में, हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, या अपना स्टमक के लिए एंडोस्कोपी करवा देते हैं, या कॉन्स्टिपेशन है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉलोनोस्कोपी करवा लेते हैं, बट किसी भी चीज़ में कोई भी हमें डायग्नोस क्लियर नहीं हो पाता। तो उस टाइम की कंडीशन पे पेशेंट्स करते क्या है, आयुर्वेदा चूज करते हैं। और आयुर्वेदा चूज करने से पहले सोचते हैं कि चलो हम आयुर्वेदा ट्राई करके देख लेते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। और देखिए, आयुर्वेदा में हम लोग सेकेंड टाइम हमें उस पर सिलेक्शन करने की बजाय हमें फर्स्ट प्राइमरी ही चूज हमारा आयुर्वेदिक होना चाहिए। और आयुर्वेदा को हम ऐसा नेचुरल ट्रीटमेंट माना जाता है। और ये शिरोधारा का जो एक प्रोसेस है, ये चिकित्सा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, यहाँ कि इसको आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम माना जाता है। शिरोधारा बेसिकली होता है कि शिर का द्वार, यानी कि शिर के ऊपर हमने धारा को गिराना। और धारा किस जगह पे गिराना, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आज्ञा चक्र पे। और आगे चक्र पे गिराने से हमारे बेनिफिट्स क्या क्या है, जो कि किसी भी तरह की कोई भी पेशेंट्स है, किसी को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है उस कंडीशंस में हम करते हैं, किसी पेशेंट्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, या उनकी कंसंट्रेशन नहीं लग पाती, या बच्चों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है, स्टडी में कंसंट्रेट नहीं हो पाते, उनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं हो पाता, तो उस कंडीशंस पे भी हम शिरोधारा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनका व्यवहार भी चेंज होना शुरू हो जाता है, मतलब काफ़ी इरिटेट या मन चंचल सा होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन पे भी स्टेबल रखने के लिए भी हम शिरोधारा का प्रोसेस करते हैं। कई पेशेंट्स को नींद नहीं आती, बहुत सारी रात को सोते समय पिल्स वगैरह लेनी शुरू कर देते, तो उस कंडीशंस पे भी शिरोधारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि हम लोग अपने ब्रेन के सिस्टम्स को रेगुलेट कर सकते हैं। और शिरोधारा करने से हमारा बेसिक इफेक्ट पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पे। और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करने से हमारी बॉडी का जितना भी कंट्रोलिंग पावर है वो सारा कौन करता है, हमारा ब्रेन। अब ब्रेन को स्ट्रांग करना, ब्रेन की नर्व्स को स्ट्रांग करना, तो ये सारा प्रोसेस हमारा शिरोधारा के द्वारा एक्यूरेट हो सकता है। और इवन कई तरह की हमारी स्ट्रेस के कारण ही हमें IBS की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, पेप्टिक अल्सर रहता है, और कुष्ठ रोग रहता है, तो इसी स्ट्रेस के कारण ही हमारी मल्टीपल डिजीजेस होती है। तो उसी स्ट्रेस को खत्म करने के लिए भी वन ऑफ द प्रोसेस इंपॉर्टेंट कौन सा, शिरोधारा। तो उस कंडीशन पे भी हम लोग शिरोधारा करते हैं पेशेंट्स की, जिससे कि वो अपना काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और मल्टीपल
मल्टीपल डिजीजेज जो उनकी बॉडी में पैदा हो रही है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ दोषास, तो उस डैट कंडीशंस पे क्या रहते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस एक्यूरेट होने शुरू होते हैं, रेगुलेट होने शुरू होते हैं, हमारी बॉडी की जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी नॉर्मलाइज जानी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ पेशेंट्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा सन रेज में जाते हैं, धूप में जाते हैं तो उनका हेडेक होना शुरू हो जाता है, सम टाइप ऑफ हेयर फॉल प्रॉब्लम्स रहती है, बाल्डनेस रहती है, गंजापन, बालों का सफ़ेद हो जाना, बिल्कुल अपना जो हमारे हेयर फॉलिकल्स रहते हैं बिल्कुल बंद होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि छिद्र बंद होने शुरू हो जाते हैं। उन कंडीशंस में भी शिरोधारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी के साथ साथ शिरोधारा के करने के साथ साथ जब पेशेंट्स को हम लोग बिल्कुल उसको पंचकर्मा टेबल पे लेटा के शव आसन की पोजीशंस पे लेटाते हैं और उसके सिर के ऊपर शिर की धारा जो गिरती है यानी कि मेडिसिन जो गिरती है उससे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, इवन उसकी इंद्रियाँ बिल्कुल प्रसन्न होनी शुरू हो जाती है, उसको नींद बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है, तो इस कंडीशंस में पेशेंट कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ उसकी जो स्किन की प्रॉब्लम है स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है, किसी भी तरह की कोई ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, रफ है, सॉफ्ट नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी उसकी बैलेंस फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर उसको किसी भी तरह की कोई भी एयर्स की प्रॉब्लम है यानी कि कान की कोई प्रॉब्लम है, जबड़ा यानी कि मैंडिबुलर जॉइंट में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी सब चीज़ें उसकी मसल्स भी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। ये थे हमारे बेसिक्स बेनिफिट्स के कि हमारे शिरोधारा करने से बेसिक्स बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि जो शिरोधारा का प्रोसेस है यानी कि जो हम शिर पे किसी तरह का कोई औषधि वगैरह तेल वगैरह डालते हैं तो वो किस तरह के तेल होने चाहिए। देखिए सभी तरह के तेल या मेडिसिन जो औषधि रहती है वो अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू प्रकृति, ये सब कुछ चेंज होता रहता है। वैसे तो हमारा जो शिरोधारा का प्रोसेस है तो हम किसी भी सीजन में कर सकते हैं, रेदर विंटर्स हो या समर्स हो, स्प्रिंग हो या कोई भी सीजन हो, हम सभी सीजन्स में शिरोधारा प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें कोई अकॉर्डिंग टू ऋतुओं के लिए हमारी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि हमने इसी ऋतु में ही शिरोधारा का प्रोसेस करना है। बस हमारी रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ में रहती है कि जब शिरोधारा का प्रोसेस करना है तो उसके बाद हमें एकदम से अपना बहुत ज़्यादा धूप में नहीं जाना या बहुत ज़्यादा जो हवा वगैरह तेज चलती हो तो उस कंडीशंस में नहीं जाना। तो उस कंडीशंस में अगर जाना भी हो पेशेंट ने तो उसके सिर को हम अच्छी तरह से कवर अप कर देते जिससे कि वो बाहरी कोई भी हवा उसके बॉडी में कैच ना हो पाए। अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे शिरोधारा में हमें किस किस तरह के तेल औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, अब औषधियों का जो हम प्रयोग करते हैं, देखिए औषधि जैसे मैंने बताया कि हमारी अकॉर्डिंग टू डिजीज और अकॉर्डिंग टू प्रकृति चेंज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें औषधि भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई तेल यूज कर सकते हैं, तक्र यानी कि बटर मिल्क यूज कर सकते हैं या कई तरह के काढ़ा बना के हम उसकी बॉडी पे यूज कर सकते हैं। और शिरोधारा का जो एक प्रोसेस है इसको हम मूर्ध तेल के नाम से भी जाना जाता है। शिरोधारा में बेसिकली होता क्या कि जो औषधि रहती है वो हमारे शिर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे गिरती है और हम इसको कुछ समय तक के लिए प्रवाहित करते रहते हैं और इसमें हम आधे घंटे से लेके 45 मिनट यानी 30-45 मिनट तक का भी ये प्रोसेस रहते हैं। और इस कंडीशंस में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, इवन उसको नींद भी आनी शुरू हो जाती है, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी रहता है और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी फील करता है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई पेशेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वही शिरोधारा कर सकता है, नॉर्मल कोई हेल्दी पर्सन भी अगर करवाना चाहे तो वो भी इस चीज़ को प्रोसेस को करवा सकता है जिससे कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है। बेसिकली इसका जो एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शिरोधारा का जो भी प्रोसेस करना हो, इवन हम भी अपने यहाँ पे जब भी ये प्रोसेस करते हैं एक चीज़ का कंडीशंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शिरोधारा हमेशा खाली पेट करना चाहिए। और खाली पेट करने से पहले जब आप पेशेंट्स को शिरोधारा के टेबल पर यानी कि पंचकर्मा टेबल पर लेटाते हैं तो उसका जितने भी यूरिन की कोई प्रॉब्लम है या स्टूल का कोई प्रॉब्लम है तो इवन अच्छी तरह से वो फ्री होकर रिलेटेड ड्यूरिंग शिरोधारा के प्रोसेस में उसको किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और ज़्यादा पेशेंट्स को रिलैक्स फॉर्म में करने के लिए आप उस रूम में हल्का सा लाइट सा म्यूजिक भी लगा सकते हैं जिससे कि पेशेंट और ज़्यादा रिलैक्स फॉर्म में आ सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की शिरोधारा के तेल का यानी कि उपयोग करना है तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जितना पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए और थोड़ा गुनगुना करके ही आपको उसको उपयोग करना चाहिए। और इवन जो शिरोधारा का प्रोसेस रहता है कि जब आप अपना वेसल्स में तेल को डालते हैं और वो नीचे के रास्ते से एक और तेल का ना बाउल सा बना तो उसमें जाके तेल गिरता रहता है, आप वापस उसको रीयूज भी कर सकते हो जिससे कि उसको गर्म करके ही हमने वापस उसके वेसल्स में यानी कि बर्तन में डालना है जो कि बूंद बूंद करके उसके फोरहेड यानी कि आज्ञा चक्र पर गिरे।
और ये आगे चक्कर ही हमारा काफ़ी ज़्यादा ऐसा रोल प्ले करता है जो कि हमारी बॉडी के सारे मर्म्स यानी कि वाइटल्स हैं उन सब चीज़ों को बैलेंस पंप करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट बीपी का मरीज है या किसी भी तरह के और भी कोई मानसिक स्थिति से भी रिलेटेड है तो उसके बॉडी के जो दोष है वो बैलेंस फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। और जितने भी जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि किस किस चीज़ में ये काम करती है, सभी का रोल हमारे बॉडी में एक वात दोष है, जब वो प्रबल हो जाता है तभी ये कंडीशंस पैदा होती है और ये बेसिकली वात दोष को ही रेगुलेट फॉर्म में करता है। और एक चीज़ और, शिरोधारा को हम शिरो परिषेक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि शिवलिंग का परिषेक करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, और शिरोधारा को भी हम लोग शिरो परिषेक के नाम से जाना जाता है। अगर आपने तेल धारा करनी है तो हम औषधि तेल का उपयोग करते हैं, अगर आपने तक्र धारा यूज करनी है तो औषधि शाश का उपयोग करेंगे, अगर शीत धारा करनी है तो गाय के दूध से हम उपयोग करेंगे शिरोधारा, अगर कषाय धारा यूज करनी है तो औषधि काढ़े से के साथ हम शिरोधारा का प्रोसेस करेंगे। शिरोधारा का प्रोसेस यानी कि उस वेसल्स में हमने शाश का उपयोग करना है, काढ़े का उपयोग करना है, गाय का दूध उपयोग करना है या तेल का उपयोग करना है, ये डिपेंड करता है पेशेंट्स की कंडीशंस के ऊपर कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम किस तरह की है। तो ये थी मेरी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन की शिरोधारा के बारे में, क्योंकि शिरोधारा एक पंचकर्मा का जो प्रोसेस है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल बेनिफिट्स भी देता है, और मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ साथ हमारी कई तरह की बीमारियों यानी कि डिजीजेस को भी क्योर करता है। अगर आप भी किसी भी तरह की कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि शिरोधारा का प्रोसेस को करके एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और मेरा जो सेंटर है, मैं अमृतसर पंजाब से बात कर रही हूँ, और मेरे यहाँ पे जो सेंटर आयुर्भूमि आयुर्वेदा हॉस्पिटल के नाम से, यहाँ पे पंचकर्मा के कई ऐसे प्रोसेस हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं, यानी कि शिरोधारा का प्रोसेस है, कटी बस्ती, जानू बस्ती, लीच थेरेपी, फिश थेरेपी, कई तरह के ऐसे थेरेपीज हैं जो कि हम लोग बिना मेडिकेशन से ही इसको क्योर करते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में या नीचे दिए गए मेरे स्क्रीनशॉट पे मेरा अपना नंबर नजर आ रहा है, आप उस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान पा सकते हैं। थैंक यू।